नमस्कार, कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। मैं संगीता फ्रॉम LearnoHub, द लर्निंग प्लेटफॉर्म जहां पढ़ सकते हैं मैथ, साइंस, एसएसटी एब्सोल्युटली फ्री एट LearnoHub.com। चलिए बच्चों, हमारा आज का चैप्टर स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर वन हमारा है, लोकेट द फॉलोइंग स्टेट्स ऑन अ ब्लैंक आउटलाइन पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया, मणिपुर, सिक्किम, छत्तीसगढ़ एंड गोवा। क्या है यहाँ पर क्वेश्चन कि आपको लोकेट करना है, यहाँ स्टेट्स दिए हैं जो कि आपको पॉलिटिकल मैप पे लोकेट करना है, कौन सा स्टेट कहाँ पर है, ठीक है। और एक और चीज़ कि आपको ये काम करना है सिर्फ पॉलिटिकल मैप पे, यहाँ पर दिया पॉलिटिकल मैप तो आपको पॉलिटिकल मैप ही लेना है। मैप हमारे कई टाइप्स के होते हैं, पॉलिटिकल मैप, फिजिकल मैप, टोपोग्राफिक मैप, कई तरह के मैप हमारे होते हैं। यहाँ पर आपको क्या करना है, पॉलिटिकल मैप लेना है जिस पे आपको इन स्टेट्स को शो करना है, ठीक। सबसे पहले क्या है, मणिपुर। मणिपुर जिसकी की कैपिटल होती है क्या, इम्फाल। हाँ, बाकी की कैपिटल आप लोग मुझे बताओगे कि क्या होती है, क्वेश्चन में नहीं है बट आपको बताना है कि बाकी की कैपिटल कौन कौन सी होगी। चलो यहाँ पर आते हैं हम, ये जो पोर्शन है हमारा ये क्या हो गया, ये पोर्शन हमारा जो है यहाँ मिजोरम एंड नागालैंड के बीच में, ये हमारा क्या हो गया, मणिपुर, ठीक है, ये हो गया मणिपुर। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं, सेकंड क्या है, सिक्किम है। हमें क्या शो करना है, सिक्किम, ये जो हमारा लाइन जैसा दिख रहा है ना, लाइन जैसा दिख रहा है, तो ये जो इसके यहाँ पर एलिवेटेड जो एरिया है ये क्या हो गया, ये हमारा हो गया सिक्किम, ठीक, यहाँ पर आ गया सिक्किम। फिर क्या है नेक्स्ट हम देखेंगे, नेक्स्ट है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ कहाँ आएगा, छत्तीसगढ़ जो कि एमपी से अलग हुआ, पहले ये एमपी में ही था, ये बाद में यानी कि मध्य प्रदेश में था, बाद में ये उससे अलग हो गया, तो ये जो हमें दिख रहा है स्ट्रक्चर, ये क्या है, ये पूरा है हमारा छत्तीसगढ़, ठीक है। इसके आसपास का अगर हम एरिया देखें तो ये हमारा मध्य प्रदेश हो गया, झारखंड हो गया, ये किनारे पे इधर साइड में हमारा उड़ीसा हो गया, और यहाँ बीच में उड़ीसा और मध्य प्रदेश के बीच में हमें क्या दिख रहा है, छत्तीसगढ़, तो ये हो गया हमारा छत्तीसगढ़, ये हो गया छत्तीसगढ़, ठीक है। फिर नेक्स्ट है हमारा गोवा, तो गोवा कहाँ आएगा, गोवा हमारा कोस्टल एरिया है और गोवा हमारा सबसे छोटा स्टेट भी है, तो यहाँ क्या दिख रहा है हमें, ये दिख रहा है गोवा कोस्टल एरिया में, ठीक है, वेस्ट की तरफ, तो ये हो गया गोवा। तो इस तरह आपको क्या करना है, पॉलिटिकल मैप पे ये चारों स्टेट्स शो करने हैं और उसके अलावा मुझे आंसर करना है सबकी कैपिटल। चलिए बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर टू। क्वेश्चन नंबर टू हमारा है, आइडेंटिफाई एंड शेड थ्री फेडरल कंट्रीज अदर देन इंडिया ऑन अ ब्लैंक आउटलाइन पॉलिटिकल मैप ऑफ द वर्ल्ड। यहाँ पर क्या है, आपको वर्ल्ड का मैप लेना है, कौन सा ब्लैंक आउटलाइन वाला, मतलब उसमें कंट्रीज ना शो हो रही हूँ कि कहाँ पर कौन सी कंट्रीज है, ठीक है। पॉलिटिकल मैप ब्लैंक आउटलाइन वाला आपको लेना है वर्ल्ड का, जिसपे आपको थ्री फेडरल कंट्रीज शो करनी है। अब इसके लिए क्या है, आपको पता होना चाहिए कौन सी फेडरल कंट्रीज हैं और जो भी हैं वो कहाँ पर लोकेट हैं, ये आपको पता होना चाहिए कि कौन सी कंट्री कहाँ पर है, ठीक है, तब आप इसको शो कर सकेंगे। तो हम क्या करेंगे, थ्री फेडरल कंट्रीज अपने मैप में शो करेंगे, उसे शेड करना है, ठीक है, कलर फिल करना है वहाँ पे, यानी कि तो ये क्या हो गया, ये हमारा हो गया, थ्री नंबर्स हमें बताने हैं, फर्स्ट हमारा हो गया ब्राज़ील, इसे क्या करोगे, किसी भी कलर से आप फिल कर दोगे, ठीक है। ये क्या हो गया, फर्स्ट नंबर का हमारा ब्राज़ील, तो ऐसा नहीं कि फर्स्ट नंबर की ये फेडरल कंट्री है, वो हम लोग को थ्री पूछा है इसलिए हम बात कर रहे हैं थ्री कंट्रीज़, तो ये हो गया ब्राज़ील। फिर नेक्स्ट हम क्या ले सकते हैं, नेक्स्ट हम ले सकते हैं साउथ अफ्रीका ले सकते हैं, ठीक, इसे भी आप क्या करोगे, पूरा फिल कर दोगे अच्छे से, इसे शॉर्ट में अभी हम लिख दे रहे हैं, ये हो गया साउथ अफ्रीका। थर्ड क्या ले सकते हैं हम लोग, थर्ड ले सकते हैं ऑस्ट्रेलिया, तो ये रहा ऑस्ट्रेलिया, अब जब हमें मालूम होगा तभी तो हम फिल कर सकेंगे, वैसे ऑस्ट्रेलिया सभी को पता होता है, तो फिलहाल ये हो गया ऑस्ट्रेलिया, इसे हम क्या करेंगे, फिल कर देंगे, ठीक है। तो थर्ड नंबर की हमारी हो गई फेडरल कंट्रीज, ये हो गया ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। अब ज़रूरी नहीं कि आप इस सेम चीज़ शो करो, आप और भी दूसरी बता सकते हो, यूएसए बता सकते हो, जर्मनी बता सकते हैं आप,
पाकिस्तान बता सकते हैं, यहाँ पे इंडिया को छोड़ के बताना है, तो कोई भी थ्री फेडरल कंट्रीज आपको यहाँ पर कलर से शो करनी है। चलिए बच्चों हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर थ्री। क्वेश्चन नंबर थ्री हमारा है, पॉइंट आउट वन फीचर इन द प्रैक्टिस ऑफ फेडरलिज्म इन इंडिया दैट इज सिमिलर टू एंड वन फीचर दैट इज डिफरेंट फ्रॉम द बेल्जियम। यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको फेडरलिज्म इन इंडिया उसका आपको फीचर बताना है, बेल्जियम के जो समान है और बेल्जियम से मिलता जुलता और जो बेल्जियम से अलग है, तो वो आपको बताना है। ठीक है, बेल्जियम से अलग और बेल्जियम से मिलता जुलता, तो देखेंगे सबसे पहले हम जो बेल्जियम के समान है, जो बेल्जियम से मिलता जुलता है। इंडियाज़ फेडरल सिस्टम हैज़ अ सिमिलर फीचर टू बेल्जियम, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, पावर का डिस्ट्रीब्यूशन है, किसी एक के ही हाथ में पावर नहीं है, जैसे कि यूनिटरी फॉर्म में अगर हम देखते हैं तो उस तरह यहाँ पर कंडीशन नहीं है। बेल्जियम और इंडिया दोनों जगह पे क्या है, जो पावर है वो क्या है, बटी हुई है, डिफरेंट डिफरेंट लेवल पे पावर क्या है उस वो डिस्ट्रीब्यूट है। और अगर हम डिफरेंट देखें कि किस तरह से वो अलग है, तो इंडियाज फेडरल सिस्टम हैज़ अ डिफरेंट फीचर फ्रॉम बेल्जियम। अगर देखें तो बेल्जियम में क्या था, हमने पढ़ा था फर्स्ट चैप्टर में हमारे कि बेल्जियम में सामुदायिक सरकार है, वहाँ पर कम्युनिटी गवर्नमेंट है, बट इंडिया में ऐसी कोई कम्युनिटी गवर्नमेंट जो है वो नहीं है, और बेल्जियम में क्या है, कम्युनिटी गवर्नमेंट है। तो ये यहाँ पर क्या हो गया, डिफरेंस हो गया है बेल्जियम और इंडिया के फेडरलिज्म में। चलिए बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर फोर। क्वेश्चन नंबर फोर हमारा है, व्हाट इज़ द मेन डिफरेंस बिटवीन अ फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एंड अ यूनिटरी वन, एक्सप्लेन विथ एन एग्जाम्पल। तो यहाँ पर क्या करना है, एग्जाम्पल के साथ आपको एक्सप्लेन करना है क्या फेडरल फॉर्म, गवर्नमेंट का फेडरल फॉर्म और यूनिटरी फॉर्म। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। वन साइड पे कुछ पॉइंट्स हैं जिन पे हम बात करेंगे, इन पॉइंट्स के आधार पर हम फेडरल एंड यूनिटी फॉर्म दोनों पे ही बात करेंगे गवर्नमेंट के। ठीक, यहाँ पर हमारा फेडरल फॉर्म हो गया, यहाँ हमारा यूनिटी फॉर्म हो गया। ठीक है, लेवल ऑफ गवर्नमेंट, तो फेडरल फॉर्म में क्या है, लेवल ऑफ गवर्नमेंट अगर हम देखें तो यहाँ पर गवर्नमेंट जो है वो टू लेवल्स में डिवाइडेड है, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। बाद में अगर हम देखें एग्जांपल में लेते हैं इंडिया, तो यहाँ पर क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट है और स्टेट गवर्नमेंट है, उन्हीं के द्वारा सारी चीज़ें देखी जाती हैं। फिर हम देखते हैं 92 के बाद क्या होता है, इसी में लोकल गवर्नमेंट भी आ जाती है। तो जो फेडरल फॉर्म है वहाँ पर टू लेवल में गवर्नमेंट जो है वो गवर्नमेंट के टू लेवल्स पाए जाते हैं, दो स्तरों में गवर्नमेंट पाई जाती है। यूनिटरी फॉर्म में अगर हम देखें, इन वन लेवल गवर्नमेंट ओनली वन गवर्नमेंट मेक्स लॉ फॉर द होल कंट्री। तो यहाँ पर क्या है, सेंट्रल में गवर्नमेंट होती है, मतलब एक गवर्नमेंट होती है, वही क्या करती है, सारे लॉज बनाती है और सारी चीज़ों को वही देखती है। फाइनेंशियल अफेयर्स अगर हम देखें, तो यहाँ पर फेडरल फॉर्म में अगर हम देखें, द सोर्स ऑफ रेवेन्यू ऑफ बोथ टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट्स आर डिफरेंट। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ भी एग्जांपल में हम इंडिया ले सकते हैं, तो यहाँ पर क्या है कि जो भी सोर्सेज हैं, जो हम रेवेन्यू आता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट का अलग होता है और स्टेट गवर्नमेंट के लिए अलग होता है। तो यहाँ पर क्या है, दोनों के लिए अलग अलग है। हियर एवरीथिंग सीज ओनली वन गवर्नमेंट, यहाँ पर क्या है, यूनिटरी फॉर्म में अगर हम देखें तो सब कुछ क्या है, जो सेंट्रल में है वही देखता है। जैसे यूनिटरी गवर्नमेंट में हमारा है जापान है, यूके है, यहाँ पर क्या है, यूनिटरी गवर्नमेंट है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है रोल ऑफ जुडिशरी है। रोल ऑफ जुडिशरी अगर देखें, द रोल ऑफ द जुडिशरी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। फेडरल गवर्नमेंट में, फेडरल फॉर्म में क्या है, गवर्नमेंट के फेडरल फॉर्म में यूनिटरी जुडिशरी जो है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों, क्योंकि हमारे जो दोनों लेवल की गवर्नमेंट है वो क्या करते हैं, उनके द्वारा बहुत सारी उनके द्वारा जो लॉ है, मतलब दोनों की मंजूरी होती है। ठीक है, बाकी लोगों की भी पार्लियामेंट में मंजूरी होती है, उसके बाद कोई लॉ लाए जाते हैं, फिर उसके बाद अगर उन पर कॉन्फ्लिक्ट है तो आगे जुडिशरी उसे देखती है। तो यहाँ पर जुडिशरी जो है वो बहुत ही ज़्यादा मेन है। ठीक, और अगर हम बात करें यूनिटरी फॉर्म में, तो वहाँ पर जुडिशरी का रोल जो है वो कुछ खास नहीं है। जो भी फैसले लेने होते हैं, जो सेंट्रल में वहाँ पर्सन बैठा है वही उन्हें लेता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशंस। तो यहाँ पर संविधान जो है, जो कॉन्स्टिट्यूशन हमारा है, तो उसमें अगर बदलाव की बात करें, तो अगर हम अपने यहाँ देखें इंडिया में, अगर हम देखते हैं संविधान में बदलाव, कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव, तो उसमें वो
बहुत आसान नहीं है, उसमें बहुत सारे प्रोसेस लगेंगे, बहुत सारा टाइम लगेगा, तभी जाकर कोई चीज़ें जो है, बहुत सारे लोगों की मंजूरी चाहिए तब जाके चीज़ें जो हैं वो होती हैं। और अगर हम यूनिटरी फॉर्म में देखें तो अगर उन्हें कोई भी चेंजेस लाने हैं, उन्होंने घोषणा कर दी और बस उसके बाद वो चीज़ है कि आगे लोगों को माननी पड़ेगी। तो यहाँ पर अगर हम फॉर्म अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन देखें तो कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है, इंडिया में अगर हम देखते हैं तो कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है, यानी कि जो हमारी फेडरल गवर्नमेंट है वहाँ पर क्या है, ये एक कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है। अगर यूनिटरी फॉर्म में हम देखते हैं तो ये कोई बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म वो नहीं है, उन्हें जब जो फैसला लेना है वो क्या करते हैं, उसकी घोषणा कर देते हैं और आगे लोगों को वो चीज़ जो है वो माननी पड़ती है। चलिए बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा है, स्टेट एनी टू डिफरेंसेस बिटवीन द लोकल गवर्नमेंट बिफोर एंड आफ्टर द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इन 1992। क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि आपको कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1992 के पहले और बाद के दो डिफरेंसेस बताने हैं, किसके, लोकल गवर्नमेंट के, ठीक है, लोकल गवर्नमेंट के आपको दो दो डिफरेंसेस बताने हैं 1992 का जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था उसके पहले और बाद के, ठीक है। देखते हैं सबसे पहले बिफोर वाला, हम लोग पहले क्या था, पहले ये था कि पहले सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट थी और स्टेट गवर्नमेंट थी, फिर समय के साथ ज़रूरत लगी कि अब यहाँ किसी और को भी देखना चाहिए, तो लोकल गवर्नमेंट जो है वो भी हुई, बट लोकल गवर्नमेंट जो थी तो उसे उतनी वैल्यू नहीं थी, वो जो भी काम करती थी वो पूरी तरह से किसके अंडर में थी, स्टेट गवर्नमेंट की तरह, ठीक है, उस पर पूरी तरह से स्टेट गवर्नमेंट जो थी वो पूरी तरह हावी होती थी, उनको रेवेन्यू का कोई पार्ट भी नहीं मिलता था, अलग से उन्हें कोई फाइनेंशियल सपोर्ट जो था वो उतना नहीं था, ठीक है, तो जो रेवेन्यू वगैरह है वो उनको नहीं मिल रहा है, जो इलेक्शंस होते थे वो समय पर नहीं होते थे, हुए नहीं हुए, जैसे कि अगर हम देखें तो सीएम का इलेक्शन है वो हमारा 5 ईयर्स पे हो रहा है, बट वहाँ पर कोई चीज़ निश्चित थी नहीं, तो इस अमेंडमेंट के बाद क्या हुआ, यही सारी चीज़ें जो नेगेटिव पॉइंट्स थे वो क्या हुए, वो चेंज हुए, क्योंकि लोकल गवर्नमेंट जो थी वो किस लिए थी, सुधार के लिए थी, तो अगर उसमें खुद ही नहीं सुधार रहेगा तो वो काम कैसे करेगी, तो ये चीज़ 1992 के बाद क्या हुआ, इनमें सुधार हुआ। चलिए देखते हैं, अर्लियर द लोकल गवर्नमेंट वॉज प्लेस्ड अंडर द कंट्रोल ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में पूरी तरह से काम करती थी। सेकंड हमारा है, लोकल गवर्नमेंट इलेक्शंस वर आल्सो नॉट हेल्ड रेगुलरली, तो रेगुलरली इलेक्शंस जो थे वो नहीं होते थे, ठीक। नेक्स्ट हम देखते हैं बिफोर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो 1992 था उसके, सॉरी बिफोर गया, आफ्टर 1992 का कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो था उसके बाद की कंडीशन देखते हैं क्या अंतर आया। नाउ इट इज़ ऑब्लिगेटरी टू रेगुलराइज द इलेक्शंस ऑफ लोकल गवर्नमेंट, ठीक है, तो लोकल गवर्नमेंट के जो इलेक्शंस थे वो रेगुलर हो गए, समय समय पर होने लगे। द स्टेट गवर्नमेंट हैव टू गिव सम पार्ट ऑफ देयर रेवेन्यू टू दीज लोकल गवर्नमेंट्स, ठीक है, तो स्टेट गवर्नमेंट क्या करने लगी, रेवेन्यू का कुछ पार्ट जो था वो लोकल गवर्नमेंट को भी देने लगी, जिससे कि आगे जो काम है वो सही तरीके से हो सकें। तो ये हमने देखा कि 1992 के अमेंडमेंट के पहले क्या चेंजेस थे, मतलब क्या कंडीशन थी, और बाद में क्या चेंजेस उसमें आए। चलिए बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा है, फिल इन द ब्लैंक्स, आइए देखते हैं इसमें, स्टार्ट करते हैं, सिंस द यूनाइटेड स्टेट इज अ टाइप ऑफ फेडरेशन, ठीक है, यूनाइटेड स्टेट किस टाइप का फेडरेशन है वहाँ पर, तो उसका फेडरेशन टाइप क्या है, कमिंग टुगेदर। फेडरेशन टाइप अगर आपने पढ़ा होगा तो फेडरेशन टाइप 2 टाइप्स थे, तो वहाँ पर क्या है, फर्स्ट जो हमारा टाइप था फेडरेशन टाइप की अगर हम बात करें, फेडरेशन टाइप जो हमारा है वो उसके कितने हैं, 2 टाइप्स हैं। फर्स्ट हमारा है कमिंग टुगेदर, ठीक है, कमिंग टुगेदर, एंड सेकेंड टाइप अगर हम देखें तो क्या है, वो होल्डिंग टुगेदर, ठीक है, तो ये 2 टाइप्स हो गए, ठीक है, किसके हो गए, फेडरेशन के 2 टाइप्स हो गए, कमिंग टुगेदर एंड होल्डिंग टुगेदर। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हमारा है, सिंस द यूनाइटेड स्टेट इज़ अ टाइप ऑफ फेडरेशन, यूनाइटेड स्टेट जो है वो किस टाइप का फेडरेशन है वहाँ पर है कमिंग टुगेदर फेडरेशन। फिर आगे हम क्या देखते हैं, ऑल द कॉन्स्टिट्यूएंट स्टेट हैव इक्वल पावर्स एंड स्टेट आर विज द फेडरल गवर्नमेंट, ठीक है, तो सभी जो कॉन्स्टिट्यूएंट स्टेट हैं उनकी जो पावर है वो इक्वल है, और वहाँ के स्टेट जो हैं वो क्या है, फेडरल गवर्नमेंट से स्ट्रॉन्ग हैं।
ठीक। नेक्स्ट हम देखते हैं इसमें क्या है, बट इंडिया इज अ टाइप ऑफ फेडरेशन। इंडिया में किस टाइप का फेडरेशन है, इंडिया में होल्डिंग टाइप फेडरेशन है, जहां पर स्टेट और सेंट्रल दोनों तरह की गवर्नमेंट है, बट ज़्यादा पावर अगर हम बात करें तो वो किसकी है, सेंट्रल गवर्नमेंट की। ठीक, ज़्यादा पावर जो है वो किसकी है, सेंट्रल गवर्नमेंट की है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, बट इंडिया इज अ होल्डिंग टुगेदर टाइप ऑफ फेडरेशन एंड सम स्टेट हैव मोर पावर देन अदर्स। कुछ स्टेट जो हैं अदर्स से उनके पास पावर जो है वो ज़्यादा है। इन इंडिया द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ मोर पावर, इंडिया में सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ज़्यादा पावर है। तो ये हो गया हमारे फिल इन द ब्लैंक्स, क्योंकि इंडिया में अगर हम देखें तो कौन सी गवर्नमेंट सेमेंट, आपको पता है सेंट्रल और स्टेट में किसके पास ज़्यादा पावर है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है ज़्यादा। क्वेश्चन नंबर 7 है, हियर आर 3 रिएक्शंस टू द लैंग्वेज पॉलिसी फॉलोड इन इंडिया, गिव एन एग्जाम्पल टू सपोर्ट एनी ऑफ दीज पोजिशंस। ठीक है, यहाँ पर क्या है, इंडिया की लैंग्वेज पॉलिसी दी गई है और उसके लिए यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है और क्यों, आप कौन से स्टेटमेंट के साथ जाना चाहोगे। ठीक, यहाँ पर हम देखेंगे, स्टार्ट करेंगे संगीता। द पॉलिसी ऑफ अकोमोडेशन हैज़ स्ट्रेंथेंड नेशनल यूनिटी। ठीक है, अकोमोडेशन की जो पॉलिसी है हमारी लैंग्वेज में, अकोमोडेशन की जो पॉलिसी है वो क्या करती है, नेशनल यूनिटी को मजबूत करती है। तो ये क्या है, ये अगर हम देखें तो ये स्टेटमेंट हमें सही लग रहा है कि अकोमोडेशन जो भाषाओं जो हमारी लैंग्वेजेस हैं उनका अकोमोडेशन जो है समाहित हो जाना वो क्या है, वो नेशनल यूनिटी को स्ट्रेंथ करता है। तो ये जो स्टेटमेंट है वो हमें सही लग रहा है। नेक्स्ट आगे भी हम देखेंगे। अरमान, द लैंग्वेज बेस्ड स्टेट्स हैव डिवाइडेड अस बाय मेकिंग एवरीवन कॉन्शियस ऑफ देयर लैंग्वेजेस। तो यहाँ अगर हम अरमान का देखते हैं तो क्या है, लैंग्वेज बेस्ड स्टेट जो हैं उन्होंने हमें क्या कर दिया है, डिवाइड कर दिया है, जिसकी वजह से लोग हैं अपनी लैंग्वेज के लिए वो कॉन्शियस हो गए हैं। तो ये क्या है, अगर हम देखते हैं तो ऐसा कुछ है नहीं, क्योंकि स्टेट जो है वो लैंग्वेज बेस पर डिवाइड हुए हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर उस जगह उस स्टेट पे कोई और लैंग्वेज बोलने वाला आ गया, क्या उसे कोई उससे खतरा होता है या उसकी लैंग्वेज को कोई प्रॉब्लम होती है, नहीं होती है। हम लोग कहीं भी जाएं या हमारी जगह पे कोई भी आए तो ऐसा नहीं है कि हमें लैंग्वेज की वजह से कोई प्रॉब्लम होती है या फिर कोई हमें लैंग्वेज के बेस पे डोमिनेंस करता है। तो ये अरमान का जो स्टेटमेंट है वो सही नहीं लगता। नेक्स्ट हम आते हैं हरीश के साथ। दिस पॉलिसी हैज़ ओनली हेल्प टू कंसोलिडेट द डोमिनेंस ऑफ इंग्लिश ओवर ऑल अदर लैंग्वेजेस। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि सभी लैंग्वेजेस पर इंग्लिश का क्या है डोमिनेंस जो है, ये पॉलिसी हेल्प करती है किसके लिए, कि अदर लैंग्वेजेस पर इंग्लिश के डोमिनेंस को बढ़ाने के लिए। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ये क्या है, ये भी गलत है। इंग्लिश क्या है, इंग्लिश एक लैंग्वेज है, वो ऐसा नहीं कि वो अदर लैंग्वेजेस को डोमिनेंस करती है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो हरीश का भी स्टेटमेंट सही नहीं लगता। तो अगर जो हम जाएंगे सही करेक्ट है स्टेटमेंट वो क्या है, संगीता का स्टेटमेंट, ऐसा नहीं कि मेरा, यहाँ पर जो संगीता है उनका स्टेटमेंट, तो उनका जो स्टेटमेंट है वो होगा करेक्ट, क्योंकि हमारे यहाँ अगर हम देखें तो 40% लोग जो हैं वो लगभग 40% लोग हिंदी बोलते हैं, बाकी 60% में अदर लैंग्वेजेस आती हैं। ठीक है, संगीताज रिस्पॉन्स इज करेक्ट। क्या था उनका रिस्पॉन्स, वो हमने देख लिया कि ये पॉलिसी क्या करती है कि अकोमोडेशन की जो पॉलिसी है वो यूनिटी लाती है। ठीक है, नेशनल यूनिटी के का वो एक रीज़न, मतलब उससे नेशनल यूनिटी बनती है, ऐसा नहीं कि लोगों के बीच में लड़ाई होती है। संगीताज रिस्पॉन्स इज करेक्ट, एज वी हैव 40% हिंदी स्पीकिंग पीपल हियर, द रिमेनिंग 60% स्पीक सेवरल लैंग्वेजेस। बाकी 60% में बहुत सारी लैंग्वेज बोलने वाले लोग रहते हैं। इफ़ ओनली हिंदी वॉज गिवन इम्पॉर्टेंस देन प्रॉब्लम वुड हैव अराइजन, देयरफॉर ड्यू टू द पॉलिसी ऑफ इंक्लूसिवनेस ऑफ ऑल लैंग्वेजेस देयर इज पीस कंट्री एंड नेशनल यूनिटी रिमेन्स। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, इतनी लैंग्वेजेस को बोलने वाले लोग हैं, लेकिन अगर केवल हिंदी को प्रेफरेंस दी जाती तो क्या होता कि कॉन्फ्लिक्ट्स आ सकते थे। तो ऐसा ना करके यहाँ पर क्या है, यहाँ पॉलिसी किस चीज़ की, अकोमोडेशन की पॉलिसी है, जिसकी वजह से यूनिटी जो है वो बनी रहती है। ठीक, तो जो करेक्ट हमारा होगा स्टेटमेंट वो क्या होगा, फर्स्ट वाला, संगीता का स्टेटमेंट जो है लैंग्वेज को लेके, लैंग्वेज पॉलिसी को लेके, वो है करेक्ट आंसर। चलिए बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा है, द डिस्टिंग्विशिंग फीचर ऑफ अ फेडरल गवर्नमेंट इज। ठीक है, फेडरल गवर्नमेंट का जो डिस्टिंग्विशिंग फीचर है वो हमें बताना है। तो मतलब कि जो हमारी फेडरल गवर्नमेंट है, फेडरल या फिर कोई भी फेडरल गवर्नमेंट, तो फेडरल गवर्नमेंट का जो की जो खासियत है,
तो वो बतानी है उसकी मेन क्वालिटी। जैसे कोई भी चीज़ होती है, हम किसी चीज़ की मेन क्वालिटी जो होती है उससे उन चीज़ों को पहचान सकते हैं, या फिर हम बता सकते हैं हाँ ये चीज़ है उसकी क्वालिटी, मेन क्वालिटी जो है उसे देखकर। ठीक, तो यही चीज़ यहाँ पर है, फेडरल गवर्नमेंट की जो मेन क्वालिटी है वो आपको बतानी है, या मेन जो उसका फीचर है, उसकी जो खासियत है वो आपको बताना है। ए है हमारा, द नेशनल गवर्नमेंट गिव सम पावर्स टू द प्रोविंशियल गवर्नमेंट। तो जो नेशनल गवर्नमेंट है वो कुछ पावर देती है किसको, प्रोविंशियल गवर्नमेंट को। तो ये क्या है, अगर हम देखें तो ये फेडरल गवर्नमेंट का फीचर नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि जो भी चीज़ें हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन में, जो भी पावर है प्रोविंशियल गवर्नमेंट की या फिर नेशनल गवर्नमेंट की, सबकी पावर्स जो है वो डिस्ट्रीब्यूटेड है कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग। ठीक है, ऐसा नहीं कि नेशनल गवर्नमेंट क्या करेगी किसी और को पावर देगी, नहीं वो नहीं देगी। सारी जो भी पावर जिसे मिली है वो कहाँ से मिली है, वो कॉन्स्टिट्यूशन से मिली हुई है। तो कोई किसी को पावर नहीं देता, जिसकी पावर्स है वो उनकी खुद की हैं, तो ये नहीं है। नेक्स्ट हम देखते हैं, पावर इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियरी। तो पावर का डिस्ट्रीब्यूशन जो है इस लेवल पे होना कि लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, ये क्या है, ये तो गवर्नमेंट के हमने ऑर्गेन्स में देखा था ना, कि वो उसका डिस्ट्रीब्यूशन, उसका डिस्टिंग्विशिंग फीचर फेडरल गवर्नमेंट का ये नहीं है। नेक्स्ट हम आते हैं, इलेक्टेड ऑफिशल्स एक्सरसाइज सुप्रीम पावर इन द गवर्नमेंट। तो यहाँ पर क्या है कि गवर्नमेंट में जो इलेक्टेड ऑफिसर्स हैं सिर्फ उन्हीं के पास ही सुप्रीम पावर है, तो ये भी गलत है। नेक्स्ट हम आते हैं डी। डी हमारा क्या है, गवर्नमेंटल पावर इज़ डिवाइडेड बिटवीन डिफरेंट लेवल्स ऑफ द गवर्नमेंट। जो गवर्नमेंट की पावर है तो वो क्या है, वो डिवाइडेड है बिटवीन डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के डिफरेंट लेवल्स पे वो पावर जो है वो डिवाइडेड है। ये क्या है, ये है खासियत किसकी, फेडरल गवर्नमेंट की। फेडरल गवर्नमेंट की खासियत है कि जो पावर है वो अलग अलग लेवल की गवर्नमेंट्स के बीच में डिवाइडेड है। जिस हमने पढ़ा था चैप्टर फर्स्ट का, जो फर्स्ट हमारा आंसर था उसमें था कि फेडरल गवर्नमेंट, फेडरल डिस्ट्रीब्यूशन या फिर कह सकते हैं वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब अलग अलग लेवल पर पावर का, अलग अलग लेवल पर पावर का डिस्ट्रीब्यूशन, मेन ये खासियत है, ये मेन फीचर है फेडरल गवर्नमेंट का। ठीक है, तो गवर्नमेंटल पावर इज़ डिवाइडेड बिटवीन डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, ये क्या है, ये करेक्ट है, जिसमें पावर जो थी सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, फिर लोकल गवर्नमेंट, तो उसमें डिवाइडेड थी। तो डिफरेंट लेवल पे गवर्नमेंट की जो पावर है उनका डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो इस फेडरल गवर्नमेंट का मेन फीचर है, या फिर कह सकते हैं डिस्टिंग्विशिंग फीचर है उसका। चलिए बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा है, अ फ्यू सब्जेक्ट्स इन वेरियस लिस्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर गिवन हियर, ग्रुप देम अंडर द यूनियन स्टेट एंड कॉन्करेंट लिस्ट एज प्रोवाइडेड इन द टेबल बिलो। क्या है क्वेश्चन, आपके सामने एक टेबल दी हुई होगी, नीचे क्वेश्चन के नीचे एक टेबल होगी, उसे आपको फिल करना है। किस कैसे, तो यहाँ पर क्या है, कुछ सब्जेक्ट दिए गए हैं, उन्हें आपको बताना है कि कौन सा सब्जेक्ट जो है वो कौन से लिस्ट में आता है। यूनियन लिस्ट जो कि काम हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट देखती है, स्टेट लिस्ट स्टेट गवर्नमेंट देखती है, और उसके बाद आता है हमारा थर्ड नंबर पे कॉन्करेंट लिस्ट, जिससे कि स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों मिलके देखते हैं वो सब्जेक्ट को। तो आपको, आपके सामने कुछ सब्जेक्ट दिए गए हैं, आपको बताना है कौन सा सब्जेक्ट जो है वो कौन सी लिस्ट में आता है। ठीक है, हमारा अगर हम देखें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो सेवेंथ लिस्ट है उसमें शेड्यूल है, तो उसमें क्या है, उसमें दिया गया है कि कौन सी गवर्नमेंट जो है वो किन चीज़ों को देखेगी। उन सब्जेक्ट हैं उसमें स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों के कामों को बांटा गया है, और उसमें सब्जेक्ट दिए गए हैं कि कौन सा सब्जेक्ट जो है वो कौन देखेगा। ठीक, अब अगर हम बात करें कि यूनियन लिस्ट जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट देखेगी। ठीक, वहाँ पर क्या है, यानी कि संघ सूची, तो उसमें करीब 100 सब्जेक्ट्स हैं जो कि अंडर में है किसके, सेंट्रल गवर्नमेंट के। उसके बाद बात आती है स्टेट गवर्नमेंट की, तो इसमें करीब 61, ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट में यूनियन में 100 सब्जेक्ट्स हैं टोटल। ठीक है, 100 सब्जेक्ट्स स्टेट गवर्नमेंट में, 61 सब्जेक्ट्स हैं। और फिर हम आते हैं कॉन्करेंट लिस्ट में, इसमें करीब 52 सब्जेक्ट्स हैं। तो इससे जो गवर्नमेंट्स हैं उनके कामों का बंटवारा है कि किन चीज़ों को कौन सी गवर्नमेंट देखेगी। अब यहाँ पर आपको कुछ सब्जेक्ट्स दिए गए हैं, सारे नहीं दे दिए गए हैं, कुछ सब्जेक्ट्स दिए गए हैं, आपको बताना है कि कौन सा सब्जेक्ट कौन सी लिस्ट के अंडर में आता है। ठीक,
वन साइड पे हमारी तीनों लिस्ट है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड उसके बाद कॉन्करेंट लिस्ट है। अब हम देखेंगे कौन सा सब्जेक्ट कहाँ आता है। ए है डिफेंस, बी पुलिस, सी एग्रीकल्चर, डी एजुकेशन, ई बैंकिंग, एफ फॉरेस्ट, जी कम्युनिकेशन, एच ट्रेड एंड आई है मैरिजेस। तो इनमें से कौन सी लिस्ट जो है या कौन सी गवर्नमेंट किन चीज़ों को देखेगी। तो सबसे पहले बात करते हैं यूनियन लिस्ट यानी कि नंबर वन, इसमें कौन कौन से आएंगे। सबसे पहले डिफेंस है क्योंकि ये बहुत ही ज़रूरी चीज़ है और जिसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट ही देख सकती है, तो डिफेंस के जो भी मामले होंगे वो सेंट्रल गवर्नमेंट में आएंगे। उसके बाद आता है हमारा बैंकिंग, तो ये भी हम नंबर वन कर दे रहे हैं क्योंकि नंबर वन की लिस्ट में आ रहा है। ठीक, बैंकिंग है जो कि हमारी यूनियन गवर्नमेंट के अंडर में है। फिर उसके बाद आता है हमारा कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन आता है। ठीक है, तो ये तीनों चीज़ें जो हो गई इस लिस्ट में, डिफेंस, बैंकिंग एंड कम्युनिकेशन, ये हमारी यूनियन लिस्ट के सब्जेक्ट्स हैं। इससे देखने का काम, इसके जो भी फैसले हैं तो उनको देखने का काम किसका है, वो है सेंट्रल गवर्नमेंट का। ये सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में आते हैं। फिर आते हैं स्टेट लिस्ट, कौन आएगा, पुलिस। ठीक है, जो भी स्टेट में जो भी मामले होंगे उन्हें स्टेट पुलिस देखेगी। ठीक है, तो ये हो गया हमारा नंबर टू में। फिर आता है एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो भी चीज़ें होती हैं वो स्टेट गवर्नमेंट देख रही है। ठीक, ये हो गया नंबर टू। फिर उसके बाद आता है हमारा ट्रेड, ये आता है नंबर टू। ठीक है, ट्रेड के जो भी मामले होंगे वो कौन देखेगा, वो स्टेट गवर्नमेंट देखेगी। जो भी उस पर टैक्स लग रहा है, जो टैक्स मिल रहा है, रेवेन्यू मिल रहा है, वो सारा कुछ कौन देख रहा है, वो स्टेट गवर्नमेंट देख रही है। उसके बाद आता है कॉन्करेंट लिस्ट, आता है थर्ड हमारा, तो उसमें आएगा हमारा एजुकेशन। ठीक है, थर्ड, तो एजुकेशन आ गया, फॉरेस्ट आ गया, ये भी थर्ड में आएगा, एंड मैरिजेस आ गया, ये भी थर्ड में आएगा। इसके अलावा ये मैरिजेस है, फिर डाइवोर्स है, अडॉप्शन है, इलेक्ट्रिक रिलेटेड मामले हैं, ये सारी चीज़ें किस में आती हैं, सारी चीज़ें हमारे कॉन्करेंट लिस्ट में ही आती हैं। तो इस तरह करके हमें क्या करना है, अपनी जो ये यहाँ पर टेबल है उसे फिल कर देना है। मेरा पहले से फिल हो रखा है, देखिए यूनियन लिस्ट में है हमारा डिफेंस, बैंकिंग एंड कम्युनिकेशन, स्टेट लिस्ट पुलिस, एग्रीकल्चर ट्रेड, कॉन्करेंट लिस्ट एजुकेशन, फॉरेस्ट एंड मैरिजेस, हो गए सारे कंप्लीट। तो आपको समझ में आ गया होगा कौन सी चीज़ें कौन से लिस्ट में आएंगी। चलिए बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा है, एग्जामिन द फॉलोइंग पेयर्स दैट गिव्स द लेवल ऑफ गवर्नमेंट इन इंडिया एंड द पावर्स ऑफ द गवर्नमेंट एट द लेवल टू मेक लॉज ऑन द सब्जेक्ट्स मेंशनड अगेंस्ट ईच, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच। ठीक है, यहाँ पर क्या है, आपको कुछ पेयर्स दिए गए हैं, आपको बताना है कि कौन सही तरीके से मैच नहीं कर रहा है। बाकी मैच कर रहे होंगे, कोई सा होगा जो कि सही तरीके से मैच नहीं कर रहा है, वो आपको बताना है। अच्छा, ये मैचिंग किसकी है, तो वन साइड पे क्या है, गवर्नमेंट के लेवल्स दिए गए हैं और अदर साइड पे लिस्ट दी गई है कि कौन सी गवर्नमेंट जो है वो किन लिस्ट को देखती है, किन लिस्ट के अंडर में आने वाले सब्जेक्ट्स को देखती है। तो आपको लिस्ट, गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग लिस्ट को मैच कराना है। ठीक है, तो सबसे पहले आ गया स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट लिस्ट, सही है, स्टेट लिस्ट की जो भी सब्जेक्ट्स हैं वो कौन देखता है, स्टेट गवर्नमेंट देखती है, करेक्ट है। नेक्स्ट हमारा है सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, यूनियन लिस्ट, यूनियन लिस्ट के जो भी सब्जेक्ट्स हैं वो कौन देखता है, सेंट्रल गवर्नमेंट देखती है, ये भी करेक्ट है। सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट्स कॉन्करेंट लिस्ट, ये भी करेक्ट है क्योंकि जो कॉन्करेंट लिस्ट के जो सब्जेक्ट्स हैं उन्हें कौन देखता है, सेंट्रल एंड गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट मिलकर इन चीज़ों को देखती है। फिर आता है हमारा लोकल गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट को किससे मैच कराया गया है, रेजिड्यूरी पावर से, रेजिड्यूरी पावर से मैच कराया गया है, यही जो है हमारा ये करेक्ट मैच नहीं है। क्यों, क्योंकि जो रेजिड्यूरी पावर्स हैं वो कौन देखता है, वो आती हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में आती हैं वो चीज़ें। रेजिड्यूरी पावर मतलब जो बचे हुए, बचे कहाँ से, जो हमारा जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जब रेडी हुआ तो उसके बाद के जो सब्जेक्ट्स हैं वो इसके अंडर में आते हैं, जैसे कंप्यूटर्स वगैरह है, तो वो सारी चीज़ें कौन देखता है, वो हमारी आती है यूनियन लिस्ट के अंडर में, या फिर कह सकते हैं उसे देखती हैं सेंट्रल गवर्नमेंट। वो उन सब्जेक्ट्स को कौन देखेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट्स देखती है, ठीक है, न कि लोकल गवर्नमेंट, क्योंकि रेजिड्यूरी पावर्स में जो कि कॉन्स्टिट्यूशन लिखने के बाद, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया उसके बाद के जो सब्जेक्ट्स हैं वो इसके अंडर में आते हैं, जो कि कौन देखता है, सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, तो ये जो है लास्ट वाला हमारा, ये करेक्ट मैच नहीं है। तो राइट आंसर ये है, आप इसको नीचे लिख सकते हो कि लोकल गवर्नमेंट एंड रेजिड्यूरी पावर्स जो है ये
इनकरेक्ट है, मैच है। चलिए बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 हमारा है मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड्स गिवन बिलो द लिस्ट। यहाँ पर क्या है, लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2 है, आपको मैच कराना है और किसका मैच किससे है, फिर जो हमारा आंसर है वो हमें कोड में देना है। ठीक है, ये कोड टेबल आपकी है, उसमें आपको बताना है कि कौन सा इसमें से कोड जो है वो करेक्ट है। ठीक है, यहाँ लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2 मैच हमें देखना है। तो यहाँ पर क्या लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2 का मैच नहीं देखना है, लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2 हमें मैच कराना है। तो आते हैं, सबसे पहले लिस्ट 1 में है यूनियन ऑफ इंडिया, फिर सेकंड स्टेट म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन एंड फोर्थ हमारा है ग्राम पंचायत। लिस्ट 2 में प्राइम मिनिस्टर, सरपंच, गवर्नर एंड मेयर। ठीक है, ये हमारा दिया हुआ है। तो इसको पढ़ते ही सबसे पहले हमारे दिमाग में कौन सा मैच किया, सबसे पहले सिंपल सा ग्राम पंचायत सरपंच। ठीक है, इससे मैच करा दिया हमने इसको। ठीक है, यहाँ पर इनका मैच आ गया। फिर आ रहा है हमारा, हमको आंसर जो है वो इसी कोड में देना है, वो आपको मैं बताने के लिए कि बाद में भूल ना जाए कि हम लोग किससे किसे मैच कराए थे। फिर आता है हमारा स्टेट एंड यूनियन ऑफ इंडिया, फिर आता है हमारा यूनियन ऑफ इंडिया को अगर हम देखें तो यूनियन ऑफ इंडिया क्या हो गया, प्राइम मिनिस्टर हो गया। ठीक है, क्योंकि यूनियन ऑफ इंडिया प्राइम मिनिस्टर के अंडर में आता है, तो मतलब कि उन चीज़ों को प्राइम मिनिस्टर देखता है। तो यहाँ पर क्या मैच हो गया, फर्स्ट का फर्स्ट ए से ही हो गया, तो ये हो गया। फिर आता है हमारा, बच रहा है स्टेट एंड म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का जो काम होता है वो हम देखते हैं कि जब हमारे यहाँ इलेक्शंस होते हैं तो अलग अलग सिटीज़ के मेयर जो होते हैं वो आते हैं, उनका भी इलेक्शन होता है। तो यहाँ पर क्या है, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन जो है उसका मैच किससे होगा, मेयर से होगा, यानी कि डी से। 3 का जो है मैच किससे, डी से। एंड स्टेट है, स्टेट का हम मैच कराते हैं किससे, सी से। सी ही बचा भी और मैच होगा, क्योंकि हर स्टेट का अपना एक राज्यपाल, अपना एक गवर्नर होता है। ठीक है, हर स्टेट का गवर्नर होता है, तो स्टेट का मैच किससे हो गया, हमारा सी से हो गया। तो अब हम देखेंगे कौन सा, ये मैच तो हमने देख लिया, अब यहाँ पे कोड्स में देखेंगे कौन सा करेक्ट है। तो ए का फर्स्ट का मैच जो है वो ए से है, फर्स्ट का मैच ए से यहाँ हमें मिल रहा है। ठीक है, फर्स्ट का मैच जो है ए से है, वो हमको यहाँ पे मिल रहा है अभी। फिर है स्टेट, सेकंड का मैच सी से, सेकंड का मैच सी से, वो भी देखिए यहीं पे मिल रहा है। फिर थर्ड का मैच है हमारा किससे, डी से, थर्ड का मैच है डी से, ये भी यही है। एंड फोर्थ का मैच है हमारा ग्राम पंचायत किससे, बी से है। ठीक है, तो यानी कि ये जो है यहाँ पर सी, कोड नंबर सी जो है वो है करेक्ट आंसर, क्योंकि फर्स्ट का मैच ए, सेकंड सी, थर्ड डी एंड फोर्थ जो है वो है बी। तो ये जो करेक्ट आंसर हमें मिल रहा है वो कहाँ मिल रहा है, ग्रुप जो है सी, तो यानी कि सी वाला जो कोड है वो करेक्ट आंसर है। चलिए बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 हमारा है कंसीडर द फॉलोइंग टू स्टेटमेंट्स। यहाँ पर क्या है, कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, आपको उन्हें कंसीडर करना है। इसमें स्टार्ट करेंगे, ए है इन अ फेडरेशन द पावर्स ऑफ द फेडरल एंड प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स आर क्लियरली डिमार्केटेड। यहाँ पर क्या है कि फेडरेशन में फेडरल एंड प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स की जो पावर्स हैं वो क्लियरली डिमार्केटेड हैं, स्पष्ट रूप से वो स्पष्ट, उनके जो पावर्स हैं वो स्पष्ट हैं। ठीक है, ये क्या है, ये अगर हम देखें तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है कि फेडरल में क्या है कि जो जिसके जो पावर हैं वो क्या है, क्लियरली बताई गई हैं। ठीक है, ये क्या है, ये करेक्ट है अगर हम देखें तो। आपको क्या करना है, आंसर ग्रुप्स में देना है, अभी हम लोग समझने के लिए यहाँ पर टिक कर रहे हैं कि ये करेक्ट है। नेक्स्ट हम आते हैं सेकंड, यानी कि बी। बी स्टेटमेंट है हमारा, इंडिया इज़ अ फेडरेशन बिकॉज द पावर्स ऑफ द यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट्स आर स्पेसिफाइड इन द कॉन्स्टिट्यूशन एंड दे हैव एक्सक्लूसिव ज्यूरिसडिक्शन ऑन देयर रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट्स। यहाँ पर क्या है, इंडिया एक फेडरेशन है क्योंकि पावर्स जो हैं यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट्स की पावर्स जो हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन में स्पेसिफाइड हैं। तो ये भी सही है, यहाँ तक अभी हमने देखा, अभी आगे देखते हैं क्या है इसमें। एंड दे हैव एक्सक्लूसिव ज्यूरिसडिक्शन ऑन देयर रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट्स, जो उनके सब्जेक्ट्स हैं वो उन्हें अच्छी तरह से पता है। ठीक है, उनका अधिकार जो है उन्हें पता है। तो ये क्या है, ये भी करेक्ट है अगर हम देखें तो। बी भी करेक्ट है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में पावर्स जो हैं वो बताई गई हैं।
लोग अपनी पावर्स को अपने अधिकारों को समझते हैं. सी है, देखते हैं, श्रीलंका इज़ अ फेडरेशन बिकॉज द कंट्री इज़ डिवाइडेड इनटू प्रोविंसेस. श्रीलंका क्या है, फेडरेशन है क्योंकि कंट्री जो है वो प्रोविंसेस में डिवाइडेड है. तो ये क्या है, ये सही स्टेटमेंट नहीं है. श्रीलंका जो है वो फेडरेशन नहीं है. यहाँ पर हम अगर देखें आगे डी, इंडिया इज नो लॉन्गर अ फेडरेशन बिकॉज सम पावर्स ऑफ द स्टेट हैव बीन डिवॉल्व्ड टू द लोकल गवर्नमेंट बॉडी, लोकल गवर्नमेंट बॉडीज. विच ऑफ द स्टेटमेंट्स गिवेन अबव आर करेक्ट. ठीक है, यहाँ पर क्या है, इंडिया जो है वो फेडरेशन नहीं है क्योंकि कुछ पावर्स जो हैं स्टेट गवर्नमेंट्स की वो लोकल गवर्नमेंट बॉडीज में डिवॉल्व हो गई हैं. विच ऑफ द, तो ये अगर हम देखें तो ये भी क्या है, ये भी करेक्ट नहीं है. ठीक है, क्योंकि इंडिया जो है वो फेडरेशन है, ऐसा नहीं है कि वो उसमें डिवॉल्व हो गई हैं तो वहाँ उसकी पावर, स्टेट की पावर्स जो हैं वो अगर लोकल गवर्नमेंट बॉडीज़ में अगर वो डिवॉल्व हो गई हैं तो ऐसा कुछ गलत है, ऐसा कुछ नहीं है. क्योंकि ये चीज़ें जो हैं अगर डिवॉल्व होती हैं तो सही, क्योंकि जो पावर्स हैं वो बटेंगी तो काम जो होगा वो ज़्यादा अच्छे से होगा. तो ये भी क्या होगा, ये भी इनकरेक्ट है. फिर हम आगे आते हैं, देखते हैं क्या है क्वेश्चन. विच ऑफ द स्टेटमेंट्स गिवन अबव अ करेक्ट. तो यहाँ पर अगर हम देख रहे हैं चारों स्टेटमेंट्स को अगर हम देख रहे हैं तो यहाँ पर क्या है, ए और बी जो है वो करेक्ट है, ए एंड बी करेक्ट है. आगे देखते हैं हम ग्रुप्स में जो आंसर है कि कौन सा करेक्ट है. ए बी सी, ए ऑप्शन में ए बी सी है वो नहीं सही है. फिर आते हैं बी पे, बी ए सी एंड डी, ये भी नहीं. ए एंड बी ओनली, बी एंड सी ओनली, तो ए एंड बी ओनली जो है वो है करेक्ट. ठीक है, तो यानी सी जो है हमारा आंसर ऑप्शन वो है करेक्ट, ए एंड बी ओनली. ठीक है, तो ये हो गया इसका राइट आंसर, क्योंकि ये जो है ये करेक्ट स्टेटमेंट्स हैं. तो बच्चों इस तरह हमारा ये चैप्टर होता है कंप्लीट. आई होप कि आपने इसे बहुत ही अच्छे से समझा होगा. मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट सॉल्यूशन के साथ, कहाँ, एट LearnoHub. LearnoHub फ्री है पर बेस्ट है.